भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई, क्या हो गया अब इस देश में। अल्पेश यादव, चीयर्स है भाई। देखो वैसे कुछ भी कहो, जिंदगी तो हम ही जी रहे हैं ना, तो जिंदा तो कैमरामैन भी है। तू जिंदा भाई तू? हेलो हेलो एल्विश भाई, भाई आपका जर्मन शेफर्ड बार खुला घूम रहा है भाई, उसने कई लोगों को काट लिया यार, जाके पकड़ो ना उसको। अच्छा ये मरम्मत मांग रहा है, कोई दिक्कत ना, पकड़ते हैं अभी भाई। फिर क्या करना है इसका, क्या करना है? काबू में नहीं आ रहा तू, देख काबू में नहीं आ रहा। देख लो भाई, जर्मन शेफर्ड कुत्ते पालना बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। देखो हालत देखो इसकी, चुपचाप चुपचाप घर में चल, चल घर में, बहुत देर होगी तुझे, चल। राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ना कमेंट सेक्शन में लिख के आओ कि क्या तुमने मुझे मिस करा, यस और नो। बहुत टाइम से मैं लिख रहा था कि 2020 लोडिंग, उसका मतलब था कि हम अपने पुराने कामों पे वापस आ गए हैं। पुरानी चीजें जो हम करते थे 2020 में, बहुत आप लोगों ने खूब सपोर्ट दिखाया, किसी कारणवश मेरे को वो चीजें छोड़नी पड़ी, बट नीड आ गई है वापस, तो हम भी वापस। वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं अपने बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही मेरे प्यारे मित्र ध्रुव राठी के बारे में। सब लोग जानते होंगे आजकल, तो भाई साहब हमारे बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत छा रखे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, सरकारों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं और खूब फेमस भी हो रहे हैं, भगवान करे और फेमस भी हो। ये फैक्ट्स के बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, सोसाइटी में चल रहे इश्यूज को ये बताते हैं कि क्या इशू चल रहा है और लोगों को जागरूक करते हैं। इनके पास बहुत सारी नॉलेज है और यूट्यूब पे ये मानो ये आदमी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए, बिल्कुल न्यूट्रल यूट्यूबर है और हमारे देश को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सारी होगी इमेजिनरी बातें, आज हम बात करेंगे भाई सिर्फ फैक्ट्स पे। सो ये वीडियो भाई बहुत लंबी होने वाली है, मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे अभी पता नहीं कितनी देर की होने वाली है, बट ये बोल सकता हूं ये 30-40 मिनट पार हो जाएगी, तो पूरी वीडियो देखना। इसलिए मैंने वीडियो को ना बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस में बांटा है, एक एक करके सारी चीजें देखना। इस वीडियो के अंदर ना ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर तुमने देख ली ना तो तुम कहोगे एल्विश भाई तुम ये पॉइंट्स कहां से लेके आए हो। मैं सारे पॉइंट एक एक करके बताने वाला हूं और तुम्हें आ जाएगी मौज, तुम कहोगे वाह भाई तुमने धागे खोल दिए। ध्रुव भाई देखो मेरी वीडियो को उड़वाना मत स्ट्राइक मार के, ठीक है? वो भी मैं चीजें बताऊंगा कि तुम कैसे रिपोर्ट पढ़वाते हो, कौन से तुम्हारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम वाले ग्रुप्स तुम्हारे सस्पेंड क्यों हैं, सारी चीजें मैं डिस्कस करके बताऊंगा। बट प्लीज यार, जैसे तुमने मेरा कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है, मुझे भी ब्लॉक कर सकते हो, बट मेरी वीडियो को मत उड़वाना है प्लीज भाई। और इंट्रो से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अभी तक आ गए होंगे कमेंट सेक्शन में बोलने की एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, हमारे ध्रुव भाई को कैसे बोल दिया, ध्रुव भाई तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जर्मनी में पढ़ता है, देश की सेवा के लिए ये करता है वो करता है, तुम गवार हो ये हो, जो भी बोलने आ रहे हैं भाई तुम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर होंगी, वीडियो को ना एंड तक देखना। तो आज फैक्ट चेक करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी का। तो आकाश बैनर्जी के साथ एक इंटरव्यू में हमारे भाई साहब कहते हैं कि ये किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। ध्रुव भाई आम आदमी पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे, 7 अक्टूबर 2014 को इन्होंने हैशटैग अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। ये लगातार 2014 से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे पोस्ट करता आ रहा था। 9 फरवरी 2015 को आम आदमी आए हैं
ऐसा कोई गाना था जो इसने बनाया था, और वो सेम चीज आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज ने भी शेयर करा था। जो आम आदमी पार्टी के ऑड इवन स्कीम की एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे खर्च हुए थे, ध्रुव राठी ने उसको भी बहुत डिफेंड करा था, और बाद में पकड़े जाने पे वो वीडियो प्राइवेट भी कर दी। बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इसे सक्सेसफुल होना है। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टाइजमेंट्स नहीं पहुंच पाते होंगे। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं, वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑडियन की एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। इसने और भी बहुत सारी वीडियोस को प्राइवेट करा, जिनके अंदर इसने आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस लगे थे उनको व्हाइट वॉश करा, वीडियो बनाई और बाद में प्राइवेट कर दी। 27 जुलाई 2016 को आम आदमी पार्टी ध्रुव राठी भाई को उनके ऑफिशियल मैनिफेस्टो बनाने के लिए इनवाइट करती है, और 12 जनवरी 2017 को आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड खुद कंफर्म करते हैं कि ध्रुव राठी जी हमारे भैया इनकी रिसर्च टीम का एक पार्ट है। अब देखो रिसर्च की बात आ गई है तो मैं ध्रुव भाई को बोलना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ध्रुव भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो आप ना उनकी वीडियो के एंड में जाके एक चीज देखा करो, रिसर्च बाय विजेता दहिया, उनके ऊपर भी मैं अभी आऊंगा। पर एक चीज समझ लो, हमारे ध्रुव भाई सिर्फ एक एंकर है जिनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि लो भाई आपकी स्क्रिप्ट, आपको ये सब बोलना है, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं होता। इनकी पूरी टीम है, टीम के ऊपर भी आएंगे सारी चीजें भाई, बहुत ना अंदर घुस घुस के हाथ दे गए बाहर निकालेंगे, और कोई बदतमीजी वाली वीडियो नहीं, ना कोई गाली गलोच होने वाला इसमें। जो भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि 2020 में तो एलिस भाई गाली बकता था, आप क्यों नहीं बक रहा भाई, बहुत प्यार से सारी चीजें एक एक करके तिनका तिनका जोड़ के भाई तुम लोगों को दिखाऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब थोड़ा नहीं, अब प्यार से बात करेंगे। इसने रफेल डील के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उनके ऊपर गूगल एड्स भी लगाए थे, खूब शेयर करवाई थी वीडियो आम आदमी पार्टी से जुड़ के भी। अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी खुद एक प्रोपोगंडा वाली वीडियो शेयर करी थी ट्विटर के ऊपर, जिसके बाद उनको भाई कोर्ट के आगे माफी मांगनी पड़ेगी, सॉरी भाई गलती से फेक वीडियो शेयर हो गई। भाई बहुत सारा डेटा जो है इसने प्राइवेट कर लिया, बहुत सारी वीडियोज इसने डिलीट कर ली, ट्वीट्स डिलीट कर लिए, बट हम खोज खोज के कहीं ना कहीं से लेके आ गए। और जो जो मैं चीज बोल रहा हूं भाई, अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी विद लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पीछे चल भी रहा होगा क्योंकि बढ़िया सेटअप कर रखा है इस बारी। तो हम बात करते हैं भाई इसने क्या करा। इसने अपने ऑफिशियल पेज से एक वीडियो बनाई जिस तर इसने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लीडर्स को कंपेयर करा और बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे जीरो क्रिमिनल केसेस हैं, और कंपेयर करा बीजेपी वालों से और बताया उनके ऊपर 63 क्रिमिनल केसेस हैं। तो आज हम ना डेटा की बात करेंगे क्योंकि हमारे ध्रुव भाई डेटा डेटा बहुत करते हैं, तो डेटा के ऊपर लेके आते हैं अब चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ भारती जी के, ये आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े लीडर है और इनके ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे, और हमारे ध्रुव भाई ने दिखाया कि जीरो, एक भी केस नहीं है, जीरो। देखो इनके ऊपर जो जो केसेस है वो डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कहीं पर दिख जाएगी। मैं डीप नहीं जाऊंगा कि इन्होंने किसको प्रोस्टिट्यूट बुलाया, कौन सी लड़की के साथ, वो सारी चीजें भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि ये सब डेटा इधर दिख जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमारे आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 13 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे 2020 में, जो कि आप मीटर देख रहे हो, इधर मीटर रेड पे जा रहा है, देख रहे हो। हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें, अब धीरे धीरे करके आपको वीडियोस में पता लगेगा। देखो ये तो मेरा पहला पॉइंट था कि क्या समझ नहीं आ रहा, कहां से डेटा लिया गया है, कहां से क्या चीज किया गया, ये इसमें बताया ही नहीं गया है, बस एक पीछे में आपको कुछ उड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन किस जगह से लिया गया, कौन सी वेबसाइट ये बोल रहा है, ये तो बताया ही नहीं गया है यहाँ पे हो रही है। और ये तो आपको पता है, अगर आप ध्रुव राठी के वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा ध्रुव राठी जब भी वो कोई फैक्ट लेके आते हैं, कोई भी डेटा लेके आते हैं, तो बताया जाता है जी ये डेटा यहाँ से लिया गया है, फॉर एग्जांपल ये आज तक का है, ये NDTV का है, ये इसके वेबसाइट पे था, या फिर अल जजीरा के वेबसाइट पे था, समझ रहे हो आप, उस वेबसाइट के नाम बताए जाते हैं जो यहाँ पे से है, ताकि अगर आपको डाउट है उस डेटा पे तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के चेक करके पता कर सकते हो जो ये क्या है। अभी अगर मैं अल्पेश यादव की वीडियो के बैकग्राउंड में जितने भी डेटास आ रहे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, वो एक जो बोल रहे उसके हम उन पर यकीन करें, इसके लिए वो उन्होंने पीछे में वो चला तो दिया है, बट ये नहीं बताया जो वो कहाँ से है डेटा, लाइक जो पीछे में यहाँ पे आ रहे हैं क्रिमिनल चार्जेस और बहुत सारी चीजें, तो वो किस जगह से उन्होंने उठाया है वो भी हमें थोड़ा बता दे, तो हमें वहाँ पे जाके अगर हम सर्च करेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा, हम फैक्ट चेक कर सकते हैं और इसे इजी हो जाएगा, हमें आसानी से यकीन कर पाएंगे जो हाँ ये सच में है, अब तक हमारी आंखें बंद थी, अब हमारी आंखें खुल गई है। अगर आप मेरे पॉइंट समझ पा रहे हो गाइस, तो
ठीक है नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मेरे बस दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया, चलिए आगे देखते हैं। ध्रुव भाई हमारे न्यूट्रल है, जैसा उन्होंने बोला कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, ना मैं कभी जुड़ा था ना कभी जुड़ूंगा, ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी होगी कि हमारे ध्रुव भाई कितने न्यूट्रल है, कितने कौन सी पार्टी के सगे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो सेकंड पॉइंट है कि हु इज बिहाइंड ध्रुव राठी। मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट जो है ना बिल्कुल स्किप ना करा जाए और एक एक पॉइंट एक एक डॉट जोड़ा जाए। आप लोग बहुत समझदार हो, किसी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस के मत रहना भाई। गूगल आप सभी लोगों का है, उस पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हो, आर्टिकल कोई भी देख सकता है। तो जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको बड़ी ध्यान से सुनना। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई होगी, पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। पर उसके बाद कोई नहीं, ध्रुव भाई थोड़ा उदास होने का टाइम आ गया क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली हैं, कई लोगों के कान खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो अब ध्यान से सुनना। तो जो हमारे आदिल अमन भाई है ये थोड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, समझ रहे हो, इस पे गौर करने वाली बात ये है। भाई साहब हमारे एक फेसबुक कमेंट में लिखते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हत्या होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, ये हर इंसान का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच गाइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई बात नहीं भाई, भाई ने बोल दिया। उसके बाद ये लिखते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है ये विदेश से आए हैं, ये कीड़े हैं और इनको सबको मार देना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि आदिल अमन और ध्रुव राठी सिर्फ एक फेसबुक पेज चलाते हैं तो आप लोग गलत हो। ये लोग साथ में हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों में एक पतली बारीक लकीर होती है और ये तो मुझे लगता है उसको पार करके पता नहीं कहां जा चुका है। ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो जैसे किसी का हानि हो, आप समझ रहे हो, और खास करके किसी के मर्डर के बारे में, किसी को मारने के बारे में, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप अपने हक के बारे में बात करो, देश के हक के बारे में बात करो, लेकिन किसी के नुकसान के बारे में नहीं। ऑफकोर्स ये बात है, देश के हक की बात करोगे तो कोई जो देश को खराब कर रहा है उसका होगा मतलब बुरा, बट वो चलता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हो। होप कि मैं जो कहना चाह रही हूँ आप लोग समझ रहे हो। टेस्ट भी प्लान करते हैं, डेट है 24 अगस्त 2019। इसके अंदर हमारे ध्रुव भाई एक पोस्ट शेयर करके कहते हैं कि उनको 50 से 100 लोगों की जरूरत है ब्राजील के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये जो प्रोटेस्ट होता है ये आदिल अमन ही लीड कर रहा होता है। और 3 दिन बाद बच्चे सारे पहुंच जाते हैं ब्राजील एम्बेसी के बाहर में और प्रोटेस्ट करते हैं, और आप चौंक जाओगे सुन के कि ये बच्चे कौन सी संस्था के हैं। संस्थाएं हैं SFI और DYFI, जिनको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता, गूगल तुम्हारा है यार, गूगल पे सर्च करो, न्यूज पढ़ो, पता लग जाएगा। और वो वाले आर्टिकल से पढ़ना जो सही वाले हो, नहीं तो आर्टिकल तो हम भी लिख सकते हैं कुछ भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाई मोहब्बत नाम की एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा अंदर घुसने लग गया हूं। अब भाई कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे, पर आर्टिकल्स, गूगल, इंटरनेट, सब चीज मौजूद है। अब सुनो, जो कारवाई मोहब्बत नाम की एनजीओ है इसके फाउंडर है हर्ष मंदर। अब देखो मैं बहुत ज्यादा डीप जाने वाला हूं, ध्रुव भाई यू लाइक इट डीप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और डीप जाएंगे, अच्छे से करेंगे भाई। ऐसे ऐसे नाम मैं लेने वाला हूँ, आप लोग पूछोगे कि भाई ये नाम आप क्यों ले रहे हो, ये कौन लोग हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक नाम का मीनिंग है और सारे लोग किसी ना किसी इंसान से जुड़े हुए हैं, और लास्ट में सब चीज आपको पता लग जाएगा कि ध्रुव राठी की वीडियो कब आती है, किस टाइम पे आती है, कौन लिखता है, कैसे लिखता है, कौन बताता है, सब बताऊंगा। तो जो हमारी ये एनजीओ है कारवाई मोहब्बत, इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो संस्थापक हैं, उसका नाम है हर्ष मंदार, हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में वो भी जर्मनी भाग गए। जी हाँ, वही हर्ष मंदर जो कि सोनिया गांधी की एडवाइजरी कमेटी में था, 2002 के जो दंगे हुए थे उसके बाद हिंदुओं को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने पे तुला हुआ था। वही हर्ष मंदार जो हिंदुओं को झूठा फंसाने के लिए कोर्ट में PIL फाइल करता है तिस्ता से तलवार जैसे लोगों के साथ मिलके। जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो साल 2011 में UPA सरकार में एक ऐसा कानून का ड्राफ्ट लेके आया था कि दंगा किसी ने भी कराओ दोषी हिंदू ही होगा। जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है, और जिसको नहीं पता हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं मनमोहन सिंह जी, उनकी बेटी भी जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती थी। भाई जो लोग नहीं जानते कि जॉर्ज सोरोस कौन आ गया एल्विस भाई, ये नई फर्म कौन आ गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जॉर्ज सोरोस वही है जिसने राष्ट्रवादी सरकार को हटाने के लिए साल 2020 के अंदर $100 करोड़
समझ रहे हो, मतलब इंडिया के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी कि राष्ट्रवादी सरकार हटनी चाहिए पूरी दुनिया में से। और जो हमारे जॉर्ज सोरेस हैं वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। ये वही जॉर्ज सोरेस है जिसकी एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ध्रुव भाई है वो इस वाली गैंग से कैसे कनेक्टेड है। एक तो मैंने कनेक्शन आपका बता दिया आदिल अमन, दूसरा मैं आपको बताता हूं जो हमारे ध्रुव भाई की वीडियोज होती है डिक्टेटर वाली, इनकी स्क्रिप्ट कहां से आती है, इनकी टाइमिंग कहां से आती है, कौन बताता है कि आपको कौन सी वीडियो लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार CAA और NRC के ऊपर एक ट्वीट करता है, CAA के बारे में कुछ कुछ लिखता है और NRC जो कि अभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ था उसके बारे में झूठी खबर फैलाता है। और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2019 को हमारे ध्रुव भाई एज पर द टूलकिट वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर CAA का जिक्र होता है और NRC को लेके झूठी खबर फैलाई जाती है। और एक बार तो वीडियो में हमारे भाई साहब कह देते हैं कि मैं भारत सरकार की नहीं मानूंगा, मैं UN की मानूंगा। साथ में मैं आपको बता दूं जो दिल्ली दंगे हुए थे उसका जो मुख्य आरोपी था उमर खालिद, उसके फ्रेंड है आदिल अमन, आदिल अमन के फ्रेंड है हमारे ध्रुव राठी जी। तो आपको पता लग गया होगा ये नेक्सस कहां से चल रहा है, कैसे काम करता है, कौन सी टूल किट परोसी जा रही है। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है सेम मणिपुर दंगों के ऊपर, वो भी भारत सरकार को ही टारगेट करते हैं हमारे भाई साहब। अब तुम एक चीज देखना, हर्ष मंदार के ट्वीट और ध्रुव राठी की वीडियो, उसके बीच में जितना भी ये गैप आ रहा है ना, जैसे ठीक है ध्रुव राठी की वीडियो जो होती है वो आपको पता है हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे होती है और सारी ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक पे होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो मणिपुर के दंगे, गुजरात दंगे, व्हाटएवर जो भी हो, उनके बाद किसी यूट्यूबर का वीडियो आ जाना, बट यहाँ जो हो रहा है ना गाइस, मतलब मुझे लग रहा है ये बहुत ऊपर लेवल की चीज़ें जा रही है और मैं वेट कर रही हूँ इस वीडियो के बाद ध्रुव राठी का रिप्लाई वीडियो देखने का और क्या है, मतलब बस मैं देख रही हूँ ठीक है, और मैं वेट करूंगी ध्रुव राठी का रिप्लाई वीडियो देखने। वो 4 तारीख को उसने ट्वीट करा, 6 तारीख को इसकी वीडियो आ गई। जो 2 दिन का गैप है ना वो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग का आएगी, थोड़ी सी स्क्रिप्ट बना दी एडिटिंग का, नहीं तो भैया ये सेम टाइम पे टूलकिट काम करती है। और भाई अगर तुम्हें यकीन ना आता हो ना तो एक काम करना, हर्ष मंदार के ट्वीट जाके चेक कर लेना, उनकी टाइमिंग चेक करना, टाइम चेक करना और साथ में ध्रुव राठी की वीडियो की टाइमिंग चेक करना कि कितने दिन का गैप होता है हर बारी, ऐसे नहीं कि एक बारी हो गया दो बारी हो गया, हर बारी। अब देखो मेन चीज ये है कि आप पता हर्ष मंदार भाई अपने ट्वीट डिलीट कर ले तो उससे पहले जाके देख लेना, या फिर अपना अकाउंट प्राइवेट कर ले तो कैसे देखोगे, कोई नहीं स्क्रीनशॉट लगा देंगे हम। 1 अप्रैल गाइस सुनने में तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, जो 4 तारीख को इनकी वीडियो आ गई, 4 तारीख को ट्वीट आ गया, 6 तारीख को वीडियो आ गया, बट अगर आप सोचो तो ट्वीट करके इनको सारे देने की क्या जरूरत है। अगर ध्रुव राठी लिंक है उनके साथ में, मतलब है उनका चल रहा है, वैसा वाला नहीं चल रहा है, मतलब उनका वो एक ही टीम के मेंबर है अगर देखा जाए तो, जैसे कि एलबीएस यादव ने कहा, तो वो डायरेक्ट उनको फोन कर लेंगे जो हाँ ध्रुव राठी हेलो आप एक काम करो, हमारा ये आया है प्रोपेगेंडा, आप उस पर वीडियो बना दो, सिंपल से ऐसे ना, क्या जरूरत है उनको इशारे देने की जो ट्वीट करने के लिए, मैं ट्वीट करूंगा उसके बाद तुमको वीडियो बनानी है, मतलब ऐसा समझ नहीं आया मेरे को। आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन। 2024 को ध्रुव राठी एक वीडियो निकालता है जिसके अंदर मोदी जी को वो डिक्टेटर बोलता है, उनका कंपैरिजन वो हिटलर से करता है। कोई बात नहीं भाई, वीडियो निकालना हक है भाई, डेमोक्रेसी है, कुछ भी हो, पर टाइमिंग देखो, ठीक 2 दिन पहले हर्ष मंदार ने एक आर्टिकल शेयर करा होता ट्विटर के ऊपर जिसके अंदर सेम मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करा होता है। वो मैं बता रहा हूं ना भाई, ये जो 2 दिन का गैप है ना साढ़े एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग का है, तुम चेक कर लेना। हर्ष मंदार उधर ट्वीट करता है देश के खिलाफ और उसके बाद सेम एज इट इज उसी टॉपिक के ऊपर ध्रुव राठी वीडियो निकाल देता है और बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों को परोस देता है। गाइस लिटरली मैं बता रही हूं, दिन का गैप वाला कॉन्सेप्ट ना मुझे बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आया, ऐसा मतलब अगर लिंक्ड है तो क्यों ट्वीट और उसकी टाइमिंग क्यों, वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, लाइक सीरियसली बहुत सिंपल है, मतलब इतना सिंपल कि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सिंपल आप लोगों को और भी कुछ समझने की जरूरत होगी। अगर मैं किसी के साथ लिंक हूँ तो मैं ये नहीं वेट करूंगी उसका इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं जा करके देखूंगी और चीजें नहीं, वो डायरेक्टली मुझे मैसेज या कॉल करके बता सकता है जो ये वीडियो तुम्हें बनानी है, समझ रहे हो, तो ऐसा ध्रुव राठी भी कर सकते हैं। तो ये जो एलवीएस यादव ने कहा है यहाँ पे वहाँ पे लिंक है, मैं ऐसा मतलब वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, बाकी सब ठीक है
तो आगे देखते हैं आधे फैक्ट्स। एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि जो झूठ होता है ना, झूठ उससे ज्यादा खतरनाक होता है आधा सच, जो कि फैक्ट्स मैनिपुलेट कैसे करते हैं, कौन से आर्टिकल दिखाने हैं, कौन से वेबसाइट्स दिखानी है, ये न्यूज़ पोर्टल्स दिखाने हैं वो। अब मैं चाहूँ, अगर मुझे मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे ना कैसे करके, आर्टिकल पार्टिकल दिखा के पहले वो भी वही तो कर रहे हैं ना अभी है। जो कैमरामैन को क्या, किसी को भी गलत साबित किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, बिकॉज हम कभी कभी बोलते वक्त गलतियां करते हैं, कुछ करने में गलतियां करते हैं, इंसान ही तो है। अगर मैं यहाँ पे अभी तोतली हो जाऊं और किसी को मुझे तोतला साबित करना हो, बहुत बचकांड एग्जाम्पल है वैसे, तो मुझे अगर साबित करना हो तो मेरे दो तीन वीडियो देखेंगे जहाँ पे मैंने वर्ड्स जो है खराब बोले होंगे, चीजें करेंगे, मुझे कोई भी कह जाएगा बचपन से तोतली थी, इसके तो वर्ड्स ही खराब थे, समझ रहा हूँ ना। ओके सो माहौल थोड़ा लाइट हो गया होगा मेरे इस घटिया से जोक के बाद, तो चलिए आगे का देखते हैं क्या होने वाला है। पैटर्न होता है, गैस लाइटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो करने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा, समझ रहे हो, कितना पागल होगा। तो भाई मैंने आपको बता दिया, जो हर्ष मंदार है वो जॉर्ज सोरेस के साथ काम कर, पागल होगा गाइस, इंसान इतना पागल होता है, इतना पागल होता है कि कितना पागल होता है मैं बताऊं, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी भी हिस्ट्री के बुक रीड करके देखो, आप हिटलर के फॉलोअर्स ले लो, सारी दुनिया सब बुरा बोलते थे बट उसके लोग तो उनको महान मानते ही थे ना, सबके लिए वो अजाब लेकर के आए, बट उनके लोग बाद में क्या हुआ, माफी मांगनी पड़ी उनसे, जो लोग जुड़े हुए थे उनको आज तक फाइन भरना पड़ता है। तो इंसान जो है पागल होता है और बहुत लंबे समय तक होता है, करता है, जिसने 8000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए, जो कि हमारी गांधी फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की जो लड़की है वो भी जॉर्ज सोरेस के साथ काम करती थी। चलो कुछ और चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जिससे आप थोड़ी सी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा तड़का लग जाएगा। तुम कह रहे हो एलिस भाई ये सब चीजें तो तुम निकाल लाए कहीं ना कहीं से, अब थोड़ी और चीजें बताओ। चलो तुम्हें मैं चीज बताता हूँ कि हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ऐसा क्या मिल रहा है, अभी पैसे का तो पता लग गया, और चीजें बताता हूँ। DW एक जर्मन गवर्नमेंट पेड मीडिया है, जस्ट लाइक BBC। BBC तो बहुत लोग जानते होंगे, देखा भी होगा, कई लोग तो BBC पे इंटरव्यू भी देके आते हैं, हमें भी आया था मैसेज, हम गए नहीं क्योंकि थोड़ी ज्यादा न्यूट्रल है वो। तो भाई DW के बारे में आपको बता देता हूँ, DW और ध्रुव राठी का एक कोलैब आता है, जिसको DW के बारे में नहीं पता, तो DW के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर हिंदूज मुस्लिम्स को अटैक करते हैं, उनको प्रवोक करते हैं, उनके ऊपर मतलब इंडिया के हिंदूज मुस्लिम्स को दबा रहे हैं, ऐसा DW बोलता। और जैसे हमारी न्यूज पोर्टल्स करते हैं एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं, तो हमारे DW ने भी एक साइड की दिखाई, सिर्फ दिखाया कि कैसे हिंदूज वायलेंस करते हैं मुस्लिम के अगेंस्ट, और साइड की स्टोरी नहीं दिखाई, कोई बात नहीं, वो उनकी आदत है। आगे देखो अब तुम, इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा, कि DW के लिए काम करता है इरफान मेहरा। भाई इरफान मेहरा के बारे में मैं क्या बताऊं, तुम अगर इसके बारे में सुन लोगे ना, तुम कहोगे वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी, और ध्रुव राठी के साथ जो इसका कनेक्शन है अल्टीमेट ही कहता है, चीता ही कहता है। तो जो हमारे चीता ही कहते हैं इरफान मेहरा है, ये पता है किस किस के लिए काम करता है, ये काम करता है DW के लिए, TRT के लिए, द अरब के लिए और द वायर के लिए। जो इरफान मेहरा है ये आर्टिकल्स लिखता है इन्हीं न्यूज पोर्टल्स में कि कैसे कश्मीर को अलग करना है इंडिया से और कैसे एंटी इंडिया चीजें प्रमोट करनी है। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे TRT ये किसने स्टार्ट किया, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने साथ मिलकर TRT स्टार्ट किया है। इसके अंदर कश्मीर से पाकिस्तान से जर्नलिस्ट भरे हैं कि आओ आओ बच्चों लिखो, एंटी इंडिया लिखो, प्रोपेगेंडा फैलाओ, सारी चीजें करो। अब देख लो भाई, तुम बात में मत करना कि भाई तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, भैया सब चीज का प्रूफ है, एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात यह कि NIA ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर अरेस्ट करा था, क्योंकि इसके तार आतंकवादी ये जो क्या कहते हैं संगठन इनके साथ जुड़े हुए थे, भाई जितने भी बड़े बड़े अलकायदा पलकायदा होते हैं ना भाई, यार उनके साथ काम कर रहा था। अब देखो NIA ने पकड़ लिया, बुरा हुआ ध्रुव भाई के दोस्त पकड़े जा रहे हैं NIA में, इनकी शेर चीता की जोड़ी तोड़ दी ना है लड़का, शेर और चीता ही कह दें, बढ़िया काम कर रहे थे दोनों मिलके, पर नहीं, इंडिया को बर्दाश्त ही नहीं है। अरे भैया थोड़ा तो झेल लो यार, इतनी बड़ी कंट्री है, झेलो थोड़ा सा प्लीज। तो भाई जो टेरर फंडिंग थी उसमें इरफान मेहरा का नाम,
और ये कैसे इन सबसे लिंक्ड है, चाहे द वायर हो गया, ये जितने भी ये न्यूज पोर्टल्स मिलेंगे ना, जिसको ध्रुव राठी भाई जी आर्टिकल छापता ना पीछे अपने की, ये आर्टिकल पढ़ लो, द वायर का आर्टिकल पढ़ो, भैया इनकी हिस्ट्री तो पढ़ लो, द वायर की कहां से फंडिंग आ रही है, टेरर फंडिंग कहां से जुड़ी है, ये सारी चीजें एक बार पढ़ो, लिटरली द वायर की न्यूज फंडिंग और ये सारी चीजें अगर ऐसा ही है तो द वायर चल क्यों रहा है? मतलब अगर गवर्नमेंट को पता है, एलविश यादव को पता है, सबको पता है, तो क्यों द वायर है वो चल रहा है? उसकी आप इंस्टाग्राम पेजेस देखोगे, आप उनके अगर न्यूज चैनल यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, क्यों चल रहा है? उसे गवर्नमेंट ने क्यों नहीं हटा दिया? ठीक है, और जस्ट बिकॉज कोई गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं लिख रहा है तो आप उसे आतंकवादी नहीं बोल सकते हो। ये थोड़ा अजीब सा है, और ये मतलब ऐसा है जैसे मान लो अगर मैं न्यूज चैनल की बात करूँ, आज तक ब्लैक एंड व्हाइट दिन रात, ठीक है, वो तारीफ करती रहती है गवर्नमेंट की, तो वो जो है वो देशभक्त चैनल है। ठीक है, भले ही सुधीर चौधरी जो है वो जेल में जाकर के वापस आए हों, उनको सब तिहारी बुलाते हों और तिहाड़ जेल में रह करके आए, वो भी जो है वो किस मामले में, वो ब्लैकमेल कर रहे थे न्यूज़ के लिए, और एक तरीके से कहा जाए तो वसूली कर रहे थे, न्यूज़ बेच रहे थे, जो ये न्यूज़ हम हाइड कर लेंगे बदले में हमें पैसे, तो कुछ काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें थी। भाई डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं आपको वीडियो दे दूंगी। ठीक है, उनके अरेस्ट क्यों हुए थे और किस मामले में जेल गए थे वो खैर अलग मैटर है, बट ये है जो, ठीक है, तो ये जस्ट बिकॉज द वायर जो है वो सारी चीजें ऐसे ऐसे लिखते हैं तो उनको ऐसे आतंकवादी, देश विरोधी ऐसे बोल दोगे, ये ठीक नहीं है। लाइक मतलब मैं इस वर्ड से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, जस्ट बिकॉज किसी को, आपको मेरी बातें पसंद नहीं हो रही आ रही है, मुझे आपकी बातें पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, लेट्स अग्री टू डिसअग्री, लेकिन आप आतंकवादी नहीं हो, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज मैं आपकी बात से अग्री नहीं करती आप मुझे आतंकवादी नहीं बोल सकते हो। तो सिंपल ऐसा ही वायर के साथ है, और ऐसे ही है, हम एक ही कंट्री में रहते हैं, एक ही चीज़ें करते हैं, एक ही मतलब देखा जाए तो एक ही खाना भी खाते हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और उफ ये वीडियो गाइस मतलब मुझे पागल करके छोड़ेगा, एक चीज लिखी थी कि नेशनलिज्म जो है ना वो एक बीमारी है, मतलब कि जो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें हिंदी में, यार क्या बोलते हैं भाई नेशनलिज्म को हिंदी में, राष्ट्रवादीपना, जो राष्ट्रवादीपना है हमारे अंदर वो इट्स अ वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये हमारे ध्रुव भाई ने लिखा था, बताओ, हम तो भैया देश प्रेमी है खूब, अब हमें कुछ भी कह लो, हमें वेस्ट कह लो, हमें बेवकूफ कह लो, हमें पागल कह लो, देश प्रेम हमारे अंदर भरा है, यहाँ पूरा पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। अब भाई देखो इसके बहुत सारे मैं फैक्ट्स चेक भी पूरे डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें निकल आएंगी, हम पे फालतू फंड का टाइम तो है नहीं कि हम ध्रुव राठी करते रहें, जैसे कि ध्रुव राठी का घर सिर्फ मोदी जी से चलता है, हमारा घर भाई और चीजों से भी चलता है, ध्रुव राठी से नहीं चलता, तो मैं ज्यादा डीप नहीं घुसूंगा, ऊपर से फैक्ट चेक करेंगे। तो हमारे ध्रुव भाई क्लेम करते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े डिक्टेटर हैं, या फिर ये भी नहीं कह रहा हो, वो कह रहा है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभी एजुकेटेड लोग आएंगे कहेंगे और नहीं उसने ऐसा कब बोला कि मोदी डिक्टेटर है, है? वो तो ये कह रहा है कि मोदी लेके जा रहा है डिक्टेटरशिप की तरफ। देखो मैं आपको बताता हूँ डिक्टेटर क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या क्या नहीं करता, क्या क्या करता है, सारी चीजें बताऊंगा, वेट करना बस तुम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे ध्रुव भाई ने उठाया कि व्हाट्सएप पे बहुत झूठ चलता है, टेढ़े मेढ़े न्यूज आती हैं और लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं, और इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है क्योंकि वो ये सब फैलाते हैं, कोई बात नहीं मान ली, ठीक है। तो साथ में भाई ने अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल ली, भाई ने क्या करा भैया, भैया मिशन 100 करोड़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल ली, उसके अंदर भाई खुद क्या दिखा रहे हो तुम, खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो तुम, गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, अब हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है गोल्ड का रेट ऊपर नीचे करना, भाई जितने भी लोग ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐड हो रहे हैं और ब्रेन वॉश्ड किड्स जो आजकल के कहते हैं ना भैया एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ध्रुव भाई से एजुकेटेड कुछ नहीं है, चीता ही कह दें, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लो यार, सिर्फ एक बंदे के कहने पर कि ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए डजंट मीन कि ही इज राइट, जो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उस पर विश्वास मत करो, ये मत करो मत करो, मैंने अपने पॉइंट रखे, तुम्हारे अंदर अपना भी दिमाग है, फॉर एग्जांपल उसने कोई पॉइंट बताया, एग्जैक्टली गाइस मैं भी वही कह रही हूँ, आप जो भी देखते हो लाइक किसी की भी देखते हो किसी पे यकीन मत करो, लाइक किसी पे भी नहीं, आप एलविश यादव हो, ध्रुव राठे हो, या फिर व्हाटएवर, आप जिसको भी देखते हो, जिसके भी बहुत फैन हो आपको, जिसको भी आप जो भी आपको अच्छा लगता है, आप जो भी देख रहे हो प्लीज एक बार फैक्ट चेक करो, क्योंकि वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती है,
और भी बहुत कुछ है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने डीप में मैनिपुलेशन चल रही है। तो आपको किसी पे यकीन नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, या ध्रुव राठे हो या फिर एल्विश यादव हो। आपको करना क्या है, जो कि यहाँ पे एल्विश यादव ने कहा है, आपको गूगल है आपके पास, गूगल पे जाकर के चेक करो, फैक्ट चेक करो। अब तो ये है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको उसको अगर सर्च करोगे तो आपको आराम से वो आर्टिकल भी आपके सामने में आ जाएगा। बहुत सारे इजी इजी तरीके हैं, तो आप जाके एक बार चेक कर लो। आपको जिस चीज पे भी डाउट हो उसके बाद आगे जाना, ऐसे किसी के बारे में राय कायम मत करना। जैसे मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, आपको इसमें लगा अरे कुछ तो गड़बड़ है, या फिर आपको सही लगा, लेकिन सही को कंफर्म तो करो ना, क्या पता मैं यूं ही बोल रही हूँ। तो कंफर्म करना बहुत जरूरी है, जो कि इन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, गूगल पे जाके क्रॉस चेक ही तो करना है। ब्लाइंडली तुम उसको मानो या मत मानो, अपना दिमाग चलाओ, उसकी भी सुन लो, अपना भी दिमाग चलाओ। अभी अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत बची होगी, मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है अभी तक, बट अभी आएंगे और भी पॉइंट्स हैं। आपने अभी लेटेस्ट एक चीज देखी होगी, एक मीम शेयर हुआ था, ममता बनर्जी ने क्या करा था, उसके ऊपर केस करवा दिया था लड़के के ऊपर, जिसने एआई का एक मीम बनाया था ममता बनर्जी के ऊपर, और उसके ऊपर मोदी जी ने अपना मीम शेयर किया था कि मुझे तो मजा आता। तो मुझे नहीं लगता कि एक डिक्टेटर ऐसा करता होगा, या फिर जो डिक्टेटर बनना चाहता हो वो ऐसा करता होगा। भाई सीधा हमारे मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करते थे, कोई बात नहीं कर लो यार। अभी तक तुम्हें कुछ कही पर्सनल हो रहा है ये तो, तुम इंडिया गेट में दिल्ली में आकर वीडियो बना के गए भाई डिक्टेटर ने तुम्हें कुछ कही। मैं बताता हूँ डिक्टेटर कौन होते हो भाई, तुम क्या करते हो, तुमने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरे को पर्सनल अटैक करा, मेरा एक भी पॉइंट काउंटर नहीं करा। सारी चीजें जो मैंने वीडियो तुम्हारे ऊपर बनाई थी मेरे पर्सनल के ऊपर ले गए भाई, तुम ऐसी वीडियो बनाते हो बनाते हो बनाते हो। तो वो वाली बात हो गई कि किसी ने मेरे को बोला भाई तू खराब है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि भाई ऐसा नहीं है, मैं खराब नहीं हूं, मैं उल्टा बोल दूं तू खराब है, तू भी तो खराब है, वो उसका आंसर नहीं होता। हमारे ध्रुव भाई की एक आदत है, जो एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पे, जो अगर मुझे किसी ने बोला जो तुम खराब हो, मैं उसको पलट करके बोलूंगी तुम खराब हो, तो जो कि एल्विश यादव कह रहे मैं वो नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं होता, बट अभी वही कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो बना करके और बताया था एल्विश यादव के बारे में। अभी एल्विश यादव जो उनकी वीडियो के बारे में बता रहे हैं, अरे तुम सबको ऐसे ऐसे बुरा बोलते हो, असल में तो तुम भी खराब हो, तो ये वो तो वही रहा है ना कि आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, पर आपके ऊपर जो भी कोई कुछ बोले वो आपको नहीं होता, डिक्टेटर की निशानी। इन्होंने क्या करा था, मेरे नाम का कीवर्ड अपने कमेंट सेक्शन से ब्लॉक कर दिया कि मेरे नाम का कोई कमेंट ही ना आए, कि भाई को कोई क्रिटिसाइज भी ना करे कि पॉइंट गलत बोला वो सही करा, वो सारी चीजें इन्होंने ब्लॉक कर दी। दूसरी चीज, ट्विटर पे भाई साहब हमारे क्या करते हैं, ट्विटर पे तो चलो डिलीट नहीं हो सकते, उनको हाइड कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, कर दो हाइड, कर दो कीवर्ड, हाइड कर दो, ब्लॉक कर दो, लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। कम से कम मेरे हिसाब से इसने 20-50 हज़ार आदमी ब्लॉक कर दिया हुआ, अभी तक मुझे नहीं करा। मेरी इंस्टा पे बात हुई थी बहुत पहले, थैंक यू यार मुझे ब्लॉक ना करने के लिए, बट कोई बात नहीं भाई, ये लोगों को ब्लॉक कर देता जो भी इसको क्रिटिसाइज करता। मुझे पता नहीं क्यों, मैंने तो आज तक कोई ऐसा आदमी ब्लॉक करा नहीं, तो बोलता भाई डिक्टेटर डिक्टेटर। भाई खुद क्या हो, तुम अपनी बुराई नहीं सुन सकते, अपने क्रिटिसाइज जो तुम्हें करे कि ये गलत है ये सही है वो नहीं सुन सकते, और दूसरे को तुम डिक्टेटर बताते हो। अब आते हैं भाई मेन पॉइंट पे कि ये तानाशाह कैसे है और ये क्या करते हैं, ये सारे लोग जितने भी इनकी टीम है प्रॉपर, ये लोग क्या करते हैं। देखो इनके ना टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, इनके फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, इनके व्हाट्सएप पे ग्रुप, जिसके अंदर ये वीडियोस को रिपोर्ट पढ़वाते हैं। अगर रिपोर्ट से वीडियो उड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उड़ती तो हमारे चैनल का हाल आप लोगों ने देख लिया होगा, चलो वो भी कोई बात नहीं। उसके बाद ये करते हैं थ्रेट देते हैं लोगों को व्हाट्सएप पे। अब जैसे हमारे ध्रुव भाई का एक स्क्वाड है जो कि हर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, वीडियोस को मास रिपोर्ट करवाते हैं, वीडियो उड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, तो व्हाट्सएप पे थ्रेट दिलवाते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बन रही तो भाई ये डायरेक्ट अटैक भी होता है। एक यूट्यूबर है कैरोलिना गोस्वामी, उनके ऊपर भाई लाइव अटैक हुआ था, फुटेज भी पीछे चल रही होगी, मुझे तो पता नहीं एडिटर ने कैसा काम करा होगा, बट दिस इज नॉट राइट। जैसे तानाशाह की एक फौज होती है ना कि भाई हमारे तानाशाह के बारे में कैसे फालतू बोल दिया, और तानाशाह सच नहीं सुन सकता, सेम हाल हमारे ध्रुव राठी भाई का भी है। मैंने आपको बता दिया, जो भी इनके पॉइंट को काउंटर करता है, ये तो एक तो इनके बस की जवाब देना नहीं, दूसरी बात ये ब्लॉक कर देते हैं, तीसरी बात मास रिपोर्ट करवाते हैं, चौथी चीज बंदा ही खत्म भाई, डरा देते हैं बंदों को। जैसे अब बिचारी डर गई, गलत बात है, वेरी रॉन्ग। जिसको तानाशाह बोल रहा है भाई उसके वहीं पे घूम रहा है, ये कैसी आयरनी है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। आधी पब्लिक को पता नहीं क्या हो गया है, फौजें तैयार कर रखी हैं, बॉट्स रेडी कर रखे हैं कमेंट करने वाले की, वीडियो है भाई प्रॉपर, एक वीडियो का लिंक जाता है, जाओ भाई कमेंट करो इस पे, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, गवार बोलो इसको, इसको अनपढ़ बोलो, इसको बोलो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा,
फैक्ट्स चेंज नहीं होते, आप मैनिपुलेट कर लेते हो, पर फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा। तो मेरी विनती बस लोगों से ये है कि भाई जो भी आप सुन रहे हो पूरा विश्वास मत करो, मेरा भी विश्वास मत करो, ऐसा नहीं करो मेरा मेरा करो, मेरा भी मत करो। अगर जो चीज तुम्हें लग रहा है कि ये चीज यार सही नहीं है, तो इंटरनेट तुम्हारा है, जाके क्रॉस चेक करो, कितना सिंपल है। मैंने एक पैटर्न देखा है कि जब भी कोई भाई के ऊपर एक्सपोज है, वीडियो निकालता है या फिर कुछ भी क्रिटिसाइज करता है, किसी भी टाइप की कोई भी कॉन्टेंट बनाता है, तो उसके नीचे एक खास एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जरूर मिलते हैं। मैं खुल के बोलना चाहूंगा कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत ज्यादा सपोर्ट है हमारे ध्रुव भाई को, पाकिस्तान से पूरा सपोर्ट है, ये भी बताऊंगा एंड में कि कितना काम आएगा कितना नहीं। तो बाकी मैं जितने भी मुस्लिम मेरे भाई देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कहीं आपको लगता हो कि ये बहुत साथ दे रहा है आपका, एक बार इसके पूरा ट्वीट उठा के देख लो, यहाँ पे पीछे चल गए होंगे, और कुछ प्यारी प्यारी क्लिप्स देख लो। शुरुआत में इसको भाई राम जी भी काल्पनिक थे, बोलता मैं मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता, और जो जितना भी हमारा महाभारत है, रामायण है, ये सारी चीजें काल्पनिक थी। और आज हमारा भाई बहुत बड़ा हिंदू शेर बन के घूम रहा है कि मैं तो बड़ा राम भक्त हूं। और आजकल भाई इसने एक नया प्रोपोगंडा स्टार्ट कर रखा है, एक बॉट आर्मी बना रखी है जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, जिससे ये लगे कि हिंदू भी ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के आइडल के बारे में ये क्या बोल रहा था, एक बारी जरा आप देखो। 1648 करीब 500 से 700 पठान जो बीजापुर आर्मी के थे वो शिवाजी को ज्वाइन करने आए। शिवाजी के मिलिट्री एडवाइजर गोमाजी नायक पान संबल ने उन्हें कहा कि ये लोग आपकी रेपुटेशन देख, बहुत से मुस्लिम जनरल्स भी थे। वीके राजवाड़े अपनी किताब मराठांचिया इतिहास ची साधने के वॉल्यूम 17 पेज नंबर 17 पर लिखते हैं, शिवाजी के सरनोबत यानी कि इन्फेंट्री चीफ एक मुस्लिम थे, नूर खान बेग। सभासद बखर के पेज नंबर 76 पे आपको शिवाजी के लेफ्टिनेंट का नाम भी मिलेगा, श्यामा खान। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ये फेक न्यूज फैलाता है, इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। भाई वाह, एक बार ताली मार देना, वीडियो रोको, एक बार ताली बजा दो, बजा दी, वेरी नाइस। और ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को, पहली बात तो गाइस शिवाजी में पहले से जी लगा हुआ है, तो समझ रहे हो आप, उनका नाम अगर जो भी लेंगे छत्रपति शिवाजी बोलने की जगह अगर शिवाजी भी बोलेंगे तो पहले से उनके नाम में रिस्पेक्ट है, उनके नाम को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये शिवाजी शिवाजी करके बोल रहा है भाई मेरे, अगर आप किसी के बारे में सही नहीं बोल सकते तो कम से कम रिस्पेक्ट तो देना सीख लो। अल्लाहु अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज है इसे। इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला करते वक्त दुनिया भर में इस अल्लाहु अकबर की चांट का इतनी ध्रुव भाई बोलते हैं कि अल्लाहु अकबर का मतलब होता है गॉड इज ग्रेट, गलत। देखो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में बहुत फर्क होता है ध्रुव भाई, मैं भूल गया था कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, समझ में नहीं आती, मे भी आपको जर्मन ज्यादा अच्छे से आती हो। ध्रुव अपनी वीडियो में बोलता है अल्लाहु अकबर मींस गॉड इज ग्रेट, जो कि गलत बोल रहा है, क्योंकि अकबर इज सुपरलेटिव जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट, कि वो लोग मानते हैं कि हमारा गॉड ही ग्रेटेस्ट है, बल्कि उन्हीं का ही गॉड है। मेरे हिसाब से आपने डिग्री बहुत अच्छे से ले ली, पर उन्हीं का गॉड जो है वो बहुत ग्रेट है या उन्हीं का गॉड है, ऐसा ही देखा जाए तो अलविश यादव ने बोला। तो ये हर धर्म बोलता है उनका ही गॉड है, उनका ही गॉड ग्रेट है। अगर बाकी धर्मों के अगर आप देखो तो उनके धर्म के लोग भी यही बोलते हैं, जो हमारा ही गॉड है, हर चीज जो है दुनिया में वो हर चीज हमारे ही गॉड ने बनाया है, मतलब ऐसा हर धर्म के ऐसे मानने में सब यही बोलते हैं, जो जो है वो हमारा धर्म है, तुम भी हमारे धर्म के हो, हम भी तुम्हारे धर्म के, मतलब समझ रहे हो, ये सबका कहना है हर धर्म वाले में। तो ध्रुव राठी ने एक तरीके से मतलब वो जो मानते हैं उसको उन्होंने रीड करके वो बताया है, ना कि उस धर्म को मतलब सपोर्ट किया है। तो यार क्यों नहीं है, मुझे इतना प्यार क्या करें, ध्रुव भाई से सीखूंगा। और देखो जिसको बहुत बड़ा भ्रम हो कि हमारे ध्रुव भाई तो इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और इतना वो इतनी मेहनत करते हैं, नहीं भाई, ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता धैया से, समझ रहे हो, वो एक मूवी डायरेक्टर है और इनकी टीम में तीन बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। ये तीनों क्या करते हैं भाई की वीडियोस एडिट करते हैं, सिनेमैटिक दिखाते हैं, एपिडेमिक साउंड यूज करते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है भाई। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो, डीएम मी। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई, क्या हो गया, अब इस देश में पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी शेयर नहीं कर सकते क्या भैया, ये आजादी के खिलाफ है। देखो बहुत बहुत बेकार हुआ है ध्रुव भाई के साथ। खुद को एजुकेटेड बोलने वाला ध्रुव राठी
एजुकेटेड तो बहुत ज्यादा है पर इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता है और खूब लोगों के पैसे डूब जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने टाइम से लोगों ने पॉइंट आउट क्यों नहीं करा। इसने पीएनपी कॉइन में लोगों के पैसे लगवा दिए और जब ये स्कैम सामने आया तो वो वाला पार्ट अपनी वीडियो में से ट्रिम कर दिया। कितना ईजी है, पहले स्कैम करो फिर उसको ट्रिम कर दो ताकि लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा। ध्रुव भाई यार, दिस इज इंटरनेट, लोग ऐसे ऐसे बैठे तुम्हारे अंदर हाथ देके, तुम्हारे नहीं तुम्हारे कंटेंट के अंदर हाथ देके ऐसे चीजें बाहर निकाल लेते हैं हमारे जैसे। को मेरी एक शिकायत है, लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, बीजेपी का दल्ला, तो इसको भी कुछ बोलो यार अपना, इसको बोलो आम आदमी पार्टी का पिल्ला, दल्ला भी नहीं इसको पिल्ला बिल्ला बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा इतने में। मुझे ये तो लगेगा यार बराबरी तो हो रही है, मैं तो काम भी नहीं करता बीजेपी के लिए तब भी भाई साहब हम तो इस नाम से फेमस है, भाई तो प्रॉपर टीम में था ऑफिशियल, भाई साहब लिखा नाम आता था आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल चैनल पे, एडिटर ध्रुव राठी, मैनिफेस्टो ध्रुव राठी, प्रॉपर सीधा सीधा मुकर जाता। हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त है कि राम जी को करते हैं ये स्पाइडरमैन से। एक बार ये वीडियो देखो, तुम एक बार वीडियो देखो फिर बोलना मेरे को। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। करेक्ट, दे वांट क्वेश्चन, थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो क्या एक मैनमेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। दैट्स ट्रू। और जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, जितने भी प्राउड हिंदू मुझे देख रहे हैं, उनको शायद अपने भगवा रंग पे बहुत ही ज्यादा गुमान होगा, बहुत ही ज्यादा वो सोचते होंगे कि भाई भगवा बहुत ही हमारे यू नो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कलर है। इस्लामिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद जिन्होंने इस्लाम का नाम छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। भाई ये वीडियो देखिए आपने, इसमें भाई हमारे सीधे सीधे बोलते हैं हाफिज सईद ओसामा बिन लादेन, इनका कंपैरिजन किससे करते हैं, हमारे भगवा रंग वाले जो लोग ओढ़ते हैं भगवा रंग और कहते हैं कि छपरी है, जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई जिस धर्म में पैदा हो रखा है, इसके माँ बाप जिन देवी देवताओं को पूजते हैं, मेरे हिसाब से पता नहीं कौन सी मेंटालिटी रखता है अपने माँ बाप की, तो सोच ले भाई उनको भी छपरी बोल दे, उन्होंने भी भगवा कलर का पहन के राम जी के आगे हाथ जोड़ दिए ना, तो कह दे मेरे घर वाले भी